अभी मैं हूँ नवाबों के शहर लखनऊ में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है ब्रिटिश रेसिडेंसी। ब्रिटिश रेसिडेंसी का बहुत ही बड़ा योगदान है 1857 के गदर में, और यही वो जगह है जो कि उस ज़माने में ब्रिटिश का गढ़ हुआ करता था। यहाँ ब्रिटिश के सारे ऑफिसर लोग रहा करते थे। दोस्तों, इस तरफ है 1857 में जो चीज़ें यूज़ की गई थी उसका म्यूज़ियम। ये जो आप देख रहे हैं वो उसी समय की तोप है, एक यहाँ पे है और एक वहाँ पे है। दोस्तों, ये जो तोप देख रहे हैं, इसी तोप ने कई हिंदुस्तानियों की जान भी ली होगी। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये है 1857 मेमोरियल म्यूज़ियम, जहाँ पे कई चीज़ें आपको 1857 से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगी। और इस तरफ है उसका एंट्री गेट और वो सामने है दो तोप जो आपको 1857 की याद दिलाती हैं। और ये इसका जो मेनली जो टाइम है 9 AM to 5 PM है, तो आप कभी भी आएंगे तो आप यहाँ आकर देख सकते हैं, घूम सकते हैं, और म्यूज़ियम में ज़रूर चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसीलिए सारी चीज़ें कवर्ड हो गई हैं, तो मैं अंदर ज़रूर जाता। और इसी के अंदर कारतूस भरा होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसी के अंदर कारतूस भरा जाता है, पूरी तरह से सजाया गया है यहाँ पे। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं वो एक कैथलिक चर्च और कब्रिस्तान है, और यहाँ पे बहुत सारी कब्रें बनाई गई हैं जो इस बात की गवाह हैं कि 1857 कितना भीषण था। तो दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, यही है चर्च का अवशेष जो कि लगभग टूट चुका है और थोड़ी ही दीवारें आपको देखने को मिल रही हैं। और इस तरफ है कब्रिस्तान। ये जो आप कब्रें देख रहे हैं वो कैथलिक कब्रें हैं, क्रिश्चियन की कब्रें हैं। ताबूत में इसे रखा जाता था और ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पूरा विजिबल नहीं है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, उधर भी आप देख सकते हैं। तो इन्हीं में कुछ ऐसी कब्रें हैं जो कि सर हेनरी लॉरेंस की हैं, जो कि यहाँ के उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और भी बहुत सारे मेजर की, जनरल की, लेफ्टिनेंट की पत्नियों की या उनकी कब्रें हैं यहाँ पे। और ये सब जो कब्रें आपको दिख रही हैं, यहाँ पे जो अंतिम फ्यूनरल होता है उसके बगैर ही आम तौर से सभी को सार्वजनिक रूप से यहाँ पे दफन कर दिया गया था। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं वो ब्रिटिश रेसिडेंसी का मुख्य भवन है, मतलब ये कि मेन बिल्डिंग है। ये उस समय 3 मंजिला हुआ करती थी, फर्स्ट, सेकंड और इसके ऊपर थर्ड, और इसमें तहखाने भी बनाए गए थे जो 1857 के समय ब्रिटिश जो फीमेल और जो बच्चे हुआ करते थे, और ये उनकी उनके लिए सुरक्षित हाउस के तौर पे इसको यूज़ किया गया था, उनके लिए एक सेफ हाउस के तौर पे इसे यूज़ किया गया था। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और उसके ऊपर का वो थर्ड। और इसी भवन में सर हेनरी लॉरेंस को गोली लगी थी, और इससे पहले जो मैंने दिखाया था आपको, वहाँ पे ले जाया गया था इलाज के लिए, और 2 जुलाई को यहाँ पे गोली लगी थी उनको। और आप इस तरफ भी देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की ओर जाती हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये बेसमेंट है जो अंग्रेज़ों के ऑफिसर गर्मी में इसे यूज़ किया करते थे। ये बेसमेंट आपको दिख रहा होगा जो अभी भी यहाँ पे स्टोर रूम के तौर पे उसे यूज़ किया जा रहा है। और ये पीछे है यहाँ का म्यूज़ियम। और इस तरफ आप देख सकते हैं फाउंटेन जो खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है।
और ये जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ का दावत खाना, जो नवाबों की शान में यहाँ पे दावत का इंतज़ाम किया जाता था, मतलब खाने का इंतज़ाम किया जाता था। और इसे बनाने का जो श्रेय है वो जाता है नवाब सादत अली खान को। ये जो आप देख रहे हैं वो मेन लॉज है, इसमें दस्तरखान सजाया जाता था और इसी जगह पे बहुत सारी बेशकीमती फर्नीचर सजाए गए थे, जो नवाबों की शान में यहाँ पे दावत का इंतज़ाम किया जाता था। आप इस तरफ देख सकते हैं। तो यही जो है वो मेन हॉल है जिसमें दावत का इंतज़ाम किया जाता था। यहाँ पे नक्काशी और कारीगरों द्वारा बहुत सारी कारीगरी इसमें दिखाई जाती थी, और इसी जगह पे मेनली दस्तरखान का इंतज़ाम करवाया जाता था। इसे उस समय हॉस्पिटल के तौर पे इसको यूज़ किया गया था। यहाँ पे एक फव्वारा भी है जो उसी समय का बना हुआ है, लेकिन उसकी जो रिपेयरिंग है वो अभी हुई है, आपको वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सबसे अहम इमारत थी और सबसे स्पेशल बिल्डिंग थी इस पूरे ब्रिटिश रेजिडेंसी की। कितना भव्य है वो देख सकते हैं आप। ये मेनली दो मंजिला इमारत थी, मतलब टू फ्लोर हाउस। ये जो फाउंटेन आप देख रहे हैं वो उसी समय बनाया गया था, अभी इसके रिपेयरिंग का काम करवाया गया है और ये पहले कहीं बना हुआ है, ये देख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये जो जगह थी वो कितनी इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी। हाय 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 हाय, ये फैमिली हैं जो कि बेसिकली पुणे से हैं और ये भी ट्रैवल कर रहे हैं, और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि दे आर जस्ट ट्रैवलिंग ऑन बाइक। तो सर कुछ बोलना चाहेंगे अपने बारे में? वी वांट टू ब्रेक आवर कंफर्ट जोन, दैट इज द मेन इशू बिहाइंड दिस। फॉर लास्ट 6-7 years वी आर ट्रैवलिंग ऑन आवर बाइक। वी हैव ऑलरेडी विजिटेड भुवनेश्वर, कन्याकुमारी, लास्ट ईयर वी विजिटेड थंजावुर and Gwalior, lot many places we have visited, and every year for 2 to 3 weeks. So finally they have made themselves out of comfort zone and just they are being on bike. One ma'am is there, she is a doctor basically, she is gynecologist, and she is also just visiting with sir. They are nice couple, I can say. Thank you, it was a very nice thing that we planned. Little bit of planning is always needed, because 3 weeks we cannot just throw a stone and be there. Definitely. So bit of planning, but bit of unplanned also. We should not be sad that okay, day one we have to reach over here and because of some circumstances we could not. So it should not be a beginning, a bad thing to start with. But yes, unplanned things are really more enjoyable. That also I will say that few people, when they know, they see MH12 number and they say, oh, you have come all the way from Maharashtra, so you please go and see our temple. So that is also a very beautiful thing. Maybe it is not in your itinerary, but add to it, and that also helps us and encourages us going into just different places. Definitely. The state highways which we take rather than going on national highways, when we attain a particular destination, it's always good to be on state highways, be interacting with the people who stay over there. I am Dr. Sarita Kelkar. I am a gynecologist and I work in Pune in a private hospital, and I am comfortable over there too, in a completely protected zone where a patient may bleed and I want blood transfusion to be arranged, so I can arrange it in 30 minutes. But here sometimes our bike goes off and we have a puncture on a highway and maybe we are unable to do anything. You are facing the hurdle. So we are okay with both the things. Be prepared for a patient to deliver and be prepared for such uncertain circumstances on the road too. I am Dr. Anand Kelkar. I am nature curist, that is natural doctor of naturopathy. I treat patient without medicines, rather I treat patient like that. Oh, she uses medicine. Yeah, we are completely in contradiction. It's a contrast in combination. Yeah. Now, so one thing is contemporary, that both of the doctors are. Totally. When it's not about going out of comfort zone on bike, but with it's bike. It's being together also. Because you are also exploring together. That's it. That's great. Breaking comfort zone is not on biking on or riding on bike. Riding on bike with wife. With wife.
for three weeks. So, it's very difficult. It's very tough. I am doing world record. Just tell all your viewers. Whoever is doing like doing this, people may be riding the on bikes for 3,000, 4,000, 5,000 solo riders. So you're more than the solo travelers. Yeah, you are also solo traveler. I am not a solo traveler. I'm also doing the same thing, but with my wife, I'm not doing this. Yeah, that's it. Just, you are making the records yourself. Yeah, I'm making records. तो दोस्तों आप भी जो है ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को. और ये एक तरह का एजुकेशन है और ये आपको इतिहास से जोड़ता है. बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका एहसास आप करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में आप, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए और इट इज़ जस्ट द पार्ट ऑफ योर एजुकेशन. तो दोस्तों ये था लखनऊ की ब्रिटिश रेसिडेंसी का फुल टूर. ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें. मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में. तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय.